निगम चोड़ने आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दे विचाले सहमति बन चुकी है गठजोड़ लैके दोवां दे विचाले उम्मीदवारां नूं लैके जो सहमति बनी तां मेयर दे लई आम आदमी पार्टी ते डिप्टी मेयर दे लई कांग्रेसी उम्मीदवार चोण मैदान दे विच उतारे गए। 2024 दीआं लोकसभा चोणां तों पहलां उही होया जिसदा इंतजार सी, जिसदे आसार सी ते जिस नूं लैके चर्चा बेशुमार सी। जी हाँ, असी गल कर रहे हैं चंडीगढ़ मेयर चोणां नूं लैके आप कांग्रेस दे साथ दी, जो हुण स्पष्ट हो चुकिया है कि इस बार चंडीगढ़ नगर निगम दी चोण आप कांग्रेस मिलके लड़ेगी, जिस नूं लैके सहमति बन चुकी है। सहमति उम्मीदवारां नूं लैके भी बन चुकी है। जे सब कुछ क्लियर है तां गठजोड़ तां होना ही सी। पवन कुमार बंसल ने दस्या कि लोकसभा चोणां तों पहलां निगम चोणां आ गईआं ने, जिस नूं लैके चर्चा कीती गई। विचार वटांदरे तों बाद फैसला कीता गया है कि आप मेयर दे अहुदे लई ते कांग्रेस डिप्टी मेयर दे अहुदे लई चोण लड़ेगी। नतीजा यह होवेगा कि इंडिया ब्लॉक तों साडा उम्मीदवार चंगे बहुमत नाल कामयाब होवेगा। मेयर बनेगा आम आदमी पार्टी का, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों कांग्रेस के होंगे। आपस में उसी के हिसाब से नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ करके आपस में वो इनकी हमारी आम सहमति है, और इसका नतीजा ये होगा कि एक बहुत बहुमत से, अच्छे बहुमत से हमारे कैंडिडेट जो इस गठबंधन के हैं इंडिया ब्लॉक के, वो सफल होंगे। ता कांग्रेस आप विचारे सहमति बनने मगरों आप दे सीनियर डिप्टी मेयर दे उम्मीदवार ने अपनी नामजदगी वापस ले ली, ता दूजे पासे कांग्रेस दे डिप्टी मेयर लई बनाए उम्मीदवार ने नामजदगी दाखिल कीती। अज पार्टी मेरा फर्ज बनता, जो पार्टी दे हुक्म है, जो पार्टी दे काम ने, पार्टी चाहती, साड़ी पार्टी दा सिर्फ मेन मोटिव है कि असीं शहर दी डिवेलपमेंट लई। सानू ये नहीं कि असीं किसी दूजी पार्टी दा बना रहे, सानू तां कि असीं शहर नूं इक नंबर ते लेके जाणा। बंसल साहब दा सुपना, साड़ी लक्की जी, साड़ी कांग्रेस पार्टी दा हरेक आम आदमी दी इह सी कि असीं मिल के शहर नूं, चाहे उह आम आदमी पार्टी दा कौंसलर मेयर बने चाहे कांग्रेस दा मेयर बने, पर असीं सारे लोकां दी इह हिम्मत सी कि शहर विचों बीजेपी जाणी चाहीदी है। इस लई मैनूं अपना सैक्रीफाइस दी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जी, ये जो इंडिया अलायंस जो अज चंडीगढ़ दे विच जिहदी नींह रखी गई है, बंटी जी ने अपने त्याग दे के उहदे उत्ते नींह रखी है, और इहनूं हुण सिरे चढ़ाना, चंडीगढ़ शहर नूं विकास इक नवीं राह ते लैके जाणा, ये हुण साडा फर्ज़ है। जिते साडे इक साथी ने अपना त्याग करके, क्योंकि बहुत मुश्किल होंदा अपना मनकन वापस लैना, तुसीं समझ सकदे इस गल्लां नूं, लोकी सौ तरह दी गल्लां बनांदे, लेकिन साडे साथी ने जो कुरबानी दित्ती है, हुण इह साडा फर्ज़ बन गया कि कोई भी राह होवे, किसी भी तरीके का काम होए, चाहे वह डंपिंग हो, चाहे पार्किंग नूं लै करके होए, चाहे वह सीवर एसेस नूं लै करके होए, चाहे पानी दे बिलों लै करके होए, असीं हर मुद्दे दे उत्ते हुण काम करांगे। मौजूदा स्थिति ते नज़र मारीए तां चंडीगढ़ नगर निगम विच कुल 35 कौंसलर ने। इन्हां 35 वोटां तों इलावा मेयर दी चोण विच संसद मैंबर दी वोट भी जायज़ है। आम आदमी पार्टी दे 13 कौंसलर, 7 कांग्रेस दे कौंसलर ते भाजपा कोल कुल 14 कौंसलर ने। मेयर चोण दे नज़रिए तों भाजपा कोल बहुमत है, क्योंकि 15 कौंसलरां तों इलावा चंडीगढ़ दी संसद मैंबर किरण खेर दीआं वोटां भी उन्हां कोल ने। खैर, 18 जनवरी दा दिन है जदों वोटां पैणगीआं, उसे दिन नतीजे ऐलाने जाणगे, उसे दिन ही स्थिति साफ होवेगी। पर इस गठजोड़ राही 8 सालां बाद आप ते कांग्रेस दा मेयर दी कुर्सी ते काबज होण दा राह पदरा हो चुक्या है। चंडीगढ़ तों पवित कौर दी रिपोर्ट, जी मीडिया।